हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो ऐसे बेहतरीन शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है, लार्ज कैप कंपनी है। ओके, बट और एक शेयर तो उनमें 40% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, जो कि पिछले काफ़ी दिनों मतलब एक महीने से गिरता आ रहा है। एज वेल एज दूसरे शेयर की बात की जाए तो वो इंडिया में शेयरों में किंग है। ओके, और वो भी लगभग 10 दिन से गिरता आ रहा है, तो इस उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, एज वेल एज आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। तो आइए सीधे शेयर की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे आपको एक कोड दिखाना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट साहब का इंट्रोडक्शन की इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर है वो पूरे वर्ल्ड के। तो एक कोट है, बी फियरफुल वैन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी वैन अदर्स आर फियरफुल। तो इसका मतलब आई नो कि सबको पता होगा, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। बी फियरफुल वैन अदर्स आर ग्रीडी, जब दूसरे लोग लालची बने ना तब आपको डरना चाहिए, एंड बी ग्रीडी वैन अदर्स आर फियरफुल। और बी ग्रीडी मतलब तब लालची बने जब दूसरे डरे हुए हो। तो ये जो कोट है उन देश दो शेयरों में लागू होता है, इसलिए मैंने आपको ये शेयर ये कोट दिखाया है। तो ये शेयर की तरफ चलते हैं। तो पहला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। निफ्टी 50 में केवल इसका पार्ट 15, इसका वेटेज ही 14 और 15 का है। एज वेल एज अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैपिटल की, तो लगभग 14 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटल है। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी और वेटेज के हिसाब से भी ये शेयर पूरे शेयर बाज़ार का नंबर वन शेयर कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं वन मंथ का चार्ट पैटर्न है। ओके, लगभग 2300 रुपये के आसपास ये कंपनी गई थी, और तब से ओके यहाँ लगभग अगर हम देखें तो लगभग 11% यहाँ पर शेयर गिर चुका है। और 11% गिर चुका है, और गिर क्यों रहा है इसके पीछे की वजह है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए आज भी एक गिरा हुआ है, 5 डेज में गिर रहा है। वन मंथ में अगर 10 दिन की बात की जाए तो कंटिन्यूसली शेयर गिरता जा रहा है। बट अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में शेयर आपको पॉजिटिव सिग्नल दिखाई देगा। ओके, बहुत अच्छी तरीके से शेयर केवल भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। और इसके भाग क्यों रहा है, इसके तीन अलग अलग सेगमेंट में ये काम करती है। ऑयल का इनका बिजनेस है, जियो का इनका बिजनेस है, एज वेल एज इनका रिटेल का बिजनेस है, जो कि अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है क्योंकि सभी लोग डिजिटली जाने वाले हैं। ओके, सो इस रीज़न से ये कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली है। और आपको बताना चाहता हूँ, लगभग 15 कंपनी में ने इसमें इन्वेस्ट किया है, जिसमें कौन कौन सी कंपनी इंक्लूड है, फेसबुक, ओके, एज वेल एज माइक्रोसॉफ्ट, सिल्वर लेक, KKR, माइक्रोसॉफ्ट मैंने आपको बता दिया, ओके, गूगल। तो ऐसी बड़ी बड़ी इस कंपनियाँ ओके ये शेयरों में इन्वेस्ट करके कर चुकी है, और बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इन्वेस्ट कर चुकी है। तो बताना चाहता हूँ कि आने वाले 5 से 10 साल में ये कंपनी आपको इस लेवल पर नहीं दिखने वाली, अलग ही लेवल पर दिखने वाली है। तो इसमें आप डरिए मत, इसमें होल्ड करके रखिए अगर आपके शेयर्स है, अदरवाइज़ आप अगर और डीप में शेयर मिलता है तो आप इसे और खरीदिए, क्योंकि जो ये गिरावट है ना, जो ये मौका है, जो एक यहाँ पर गिरा है शेयर, तो इस गिरावट पर आने में इस शेयर को अब मेरे को नहीं लगता कि ये कभी गिरेगा इतना। बट अगर फ्यूचर में आपको गिरता हुआ नज़र आता है तो आप शेयर में ग्रीडी बनिए, दूसरे फियरफुल है तो आप ग्रीडी बनिए, तो आप इस शेयर को खरीदिए और आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। और शेयर गिर क्यों रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न है ये। आपको पता है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस ने अभी लगभग 24,000 करोड़ रुपए की कुछ डील करी थी। ओके, तो एक्वायर कर रहा था रिलायंस फ्यूचर ग्रुप को, पूरे को। फ्यूचर ग्रुप का मतलब बिग बाज़ार से भी आप समझ सकते हैं। तो ये एक्वायर कर रहा था, बट अमेजोन ने वहाँ अड़ंगी लगा दी है, कोर्ट केस कर दिया है, और शायद वो अमेजोन विंस इंटरिम रिलीफ, तो वो उस केस को सिंगापुर कोर्ट में दाखिल किया गया था, तो वो जीत भी लिया है। तो शायद ये डील कैंसिल होते हुए हमें फ्यूचर में नज़र आई, तो इसलिए लोग डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये शेयर थोड़ा गिर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं लोग और इसमें से एग्जिट कर रहे हैं, इस वजह से ये शेयर आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बट आपको बताना चाहता हूँ, ये शेयर आज और कल वाला ट्रेडिंग वाला शेयर नहीं है, ये शेयर इन्वेस्टमेंट वाला है, इसमें इन्वेस्ट करके रखिए। 5,000, 10,000 और आगे चल के ये सारे शेयर को तोड़ के ओके कहाँ निकल जाएगा आपको कुछ नहीं पता। 40 लाख करोड़ कस्टमर इसके जियो के हैं, एज वेल एज इतने ही कस्टमर अगर हम बात करें तो यही जियो से रिटेल में भी आ जाएंगे।
तो इसलिए थोड़ा सा इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लगभग 36.72% की डिलीवरी इसमें उठाई गई है, तो इसकी तरफ नज़र रखिए। और दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं तो दूसरा शेयर है बजाज फिनसर्व। नो इंट्रोडक्शन, कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत ही नहीं है। ऊपर एक वीडियो बना रखी है, उसकी बैलेंस शीट एवरीथिंग मैंने आपको दे वहाँ पर दे रखी है। उस वीडियो को आप आई बटन पे आप जाके क्लिक करके देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ओके कि ये शेयर है क्या। बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि 10,000 रुपये पे चलने वाला शेयर, यहाँ पर देखिए 10,000, यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगभग 10,000 रुपये पे ये शेयर चलता था। 9,800-9,900 पे ये शेयर चलता था, जो अभी आपको 5,700 पे मिल रहा है। और बीच में जब ये पैंडामिक आया था तो ये लगभग 4,000 रुपये 3,985 रुपीज़ पे ये शेयर मिल रहा था। बट वहाँ से तो ये लगभग बढ़ चुका है ओके। बट अभी भी अगर यहाँ पर हम बात करें ओके, अभी भी ये शेयर आपको 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ओके, ये शेयर अभी भी आपको 40% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आप इस शेयर को लेना क्यों पसंद नहीं कर रहे? ये वो शेयर है जो आपके इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से रखिए, 5 से 10 साल के लिए रखिए। डेफिनेटली आपको ये शेयर 10,000 रुपये पर नहीं दिखेगा, ये इस लेवल को क्रॉस करके अलग ही नज़ारे दिखाएगा, अलग ही दुनिया में ले जाएगा। दो दो बिजनेस है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस का नाम सुना होगा, वो इसका बच्चा है ओके। और भी इनकी छोटी मोटी होल्डिंग्स हैं, बजाज फाइनेंस ग्रुप है ओके, और सब्सिडरी एक दो और इनकी सब्सिडरी है। तो सब में इनका बजाज एलायंस का नाम आपने सुना होगा ओके, ये सब इस कंपनी के बजाज फिनसर्व के पार्ट है ओके। तो इस कंपनी में इन्वेस्टेड रही है। देखिए लोग इसमें डर रहे हैं, लगभग 6,600 पे ये शेयर चल रहा था ओके, अभी भी 6,600 के आसपास ये शेयर आया था। और 6,600 पे आने के बाद देखिए यहाँ पर लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, डर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ हो जाएगा। बट 13% देखिए यहाँ पर अभी भी आपको गिरा हुआ नज़र आ रहा है। और गिरने के पीछे रीज़न क्या है, तो गिरने के पीछे रीज़न दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गिरने के पीछे रीज़न है इनका Q2 का रिज़ल्ट। अभी जो इनका कुछ दिन लास्ट वीक इनका रिज़ल्ट आया था तो उसमें लगभग गिरावट देखी गई थी, 18% गिरावट ओके, प्रोविज़न करके रख रखा था जिस वजह से गिरावट देखी गई है। तो बिज़नेस में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा फाइनेंस एज वेल एज इंश्योरेंस का इनका काम है, और दो तीन की सब्सिडरी कंपनी है। तो इस कंपनी को रखिए। और एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, देखिए 4 घंटे पहले, 4 आवर्स पहले क्या दिखाया, बाई बजाज फिनसर्व। टारगेट क्या है, 8,203 रुपये का KR चौकसी ने इसका टारगेट दिया हुआ है। बट यहाँ पर लोग अभी डरे हुए हैं ओके, तो डरे हुए हैं तो लोग अभी इसमें प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए जितनी गिरावट पे मिलता है, जितना डिप्स मिलता है, बाय ऑन डिप्स करते रहिए। बाय ऑन डिप्स कैसे करते हैं, मैंने ऊपर आपको वीडियो बना रखी है, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों आज का इसका परफॉर्मेंस भी देखिए तो 18% की डिलीवरीज, लगभग 1,40,972 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए। तो थोड़ा इस शेयर की तरफ भी नज़र रखिए, 40% डिस्काउंट पर अभी भी मिल रहा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और इन्वेस्ट वॉच लिस्ट में रखिए। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए, और एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियोज़ डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो दोस्तों थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।